हेलो गाइस, वेलकम टू जीएफ फैमिली। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमआई वर्सेस कोलकाता के बीच में जो मैच होने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा पिच के बारे में बता दूं। देखिए, पिच जो है ना वो इससे पहले जो मैच हुआ था एमआई वर्सेस सीएसके का, तो उसमें बॉलर को थोड़ा सा, स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिला था। लेकिन जो एमआई का बैट्समैन था उसने, वो लोग मतलब बैट्समैन जो था ना, प्लेयर ने भी बहुत मिस्टेक किया और अपना विकेट जो है ना फालतू का थ्रो किया, उसी की वजह से रन कम हुआ। अदरवाइज़ जो पिच है ना पूरा का पूरा बैटिंग फ्रेंडली पिच था, 180-190 के आसपास आपको रन दिख सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप टीम बनाएंगे तो पिछला मैच था उसके हिसाब से आप टीम नहीं बनाएंगे। जो अभी का आज जो मैच होगा उसका, और प्लस डे में मैच होगा, तो उसके भी आप कम से कम 170-180 के आसपास आप आराम से रन दिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप टीम सेट करिएगा। बाकी स्पिनर को उतना मदद नहीं करेगा, लेकिन डे का मैच है तो ओवरऑल आप पेस बॉलर भी एक दो विकेट लेके जा सकते हैं, सॉरी दो तीन विकेट लेके जा सकते हैं, स्पिनर भी लेके जा सकते हैं, प्लस बैट्समैन भी आराम से 170-180 के आसपास रन कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बैलेंस टीम बनाना होगा और आपको ओल्ड फॉर्मेट जो ड्रीम इलेवन का होता है उसके ऊपर ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अगर आपको रैंक अच्छा करना है ड्रीम इलेवन पर। ठीक है, बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप ज्वाइन हो जाना। हम लोग लास्ट मोमेंट पे जो बहुत सारा अपडेट देते हैं किस प्लेयर को आपको लेना है वो भी हम लोग बोल देते हैं। जैसे आज का जो नाइट मैच में हम लोग वीडियो नहीं दे पाया तो हमने चैनल पे अपडेट दे दिया किसको कैप्टन करना है, आप जाके देख सकते हैं। हमने राजा के बारे में बोला, सैम कुरन के बारे में बोला, दोनों ही हिट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग अगर किसी मैच में वीडियो नहीं बना पाते तो हम लोग चैनल पर टिप्स दे देते हैं। बाकी पिच के बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि पिच कैसा रहेगा, तो भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, प्लस हम लोग टीम भी देते हैं चैनल पर, तो हमारा आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक रहेगा, आप ज़रूर ज्वाइन हो जाना ताकि आप लोग को जो लास्ट मोमेंट पर हम लोग अपडेट देते हैं सब जो ये करते हैं वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। देखिए गाइज, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करते हुए हम लोग विकेट कीपर से सेक्शन से हम लोग स्टार्ट करते। देखिए, विकेट कीपर में ईशान किशन, गुरबाज और जगदीशन है। ठीक है, तीनों ही टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, लेकिन ईशान किशन का हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। गुरबाज हिट और मिस टाइप प्लेयर है, जगदीशन थोड़ा सा स्टेबल बैट्समैन है लेकिन विकेट कीपिंग नहीं कर रहे। ठीक है, तो अगर आपको ग्रैंड लीग में रिक्स लेना है तो आप जगदीशन को जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा, क्योंकि अच्छा बैट्समैन है और आराम से 20-30 रन करके दे सकते हैं आपको। लेकिन गुरबाज हिट और मिस टाइप प्लेयर है, इसीलिए मे बी आज के मैच में नहीं खेल भी सकता है। ठीक है, नहीं भी, क्योंकि जेसन रॉय को भी मौका दिया जा सकता है, तो अगर खेलता है तो आप जरूर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग में आप छोड़ने का रिक्स ले सकते हैं, क्योंकि हिट और मिस टाइप प्लेयर है इसीलिए। बाकी चल गया तो फिर आपको आराम से 30-40 रन को करके दे सकते हैं। बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन में भी उतना नहीं हो सकता है। ठीक है, ईशान किशन का हेड टू हेड रिकॉर्ड उतना खास नहीं है, तो आप एज ए प्लेयर स्मॉल लीग में आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा। और अगर ग्रैंड लीग में ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं आप, तो गुरबाज या जगदीशन में से एक को ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी ईशान किशन को आप अगर चाहे तो आप सेकेंड इनिंग्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं, बट फास्ट बैट में आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा। बाकी बैटिंग सेक्शन में आप रोहित शर्मा का जो रिसेंट फॉर्म है उतना कुछ खास नहीं है, पिछले मैच में ही रन किया। ठीक है, लेकिन ये भी मुझे उतना भरोसावन प्लेयर नहीं लगते, कभी एक मैच रन करते तो 5 मैच फ्लॉप जाते हैं, 4 मैच फ्लॉप जाते हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिए। आप ग्रैंड लीग में आप ज़रूर छोड़िएगा इसको, ग्रैंड लीग में कम से कम एक दो टीम में कैप्टन मारिएगा, एक टीम में कैप्टन मार दीजिएगा, उसके बाद इसको जरूर ग्रैंड लीग में छोड़िएगा। इवन स्मॉल लीग में अगर सेकेंड बैट करते हो तो आप स्मॉल लीग में भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना, आप अगर रिस्क टेकर हो स्मॉल लीग का, तो आप अगर सेकेंड बैट करता है एमआई तो आप ज़रूर रोहित शर्मा को एक स्मॉल लीग में भी आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हो, और ग्रैंड लीग में आप ज़रूर छोड़िएगा। 84% लोग लेके जा रहा है। ठीक है, तो फ्लॉप गया तो फिर आपका अच्छा होगा, टीम का कॉम्बिनेशन अगर आपने सही बैठा पाया तो आप अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नीतीश राणा को देखिए, मुझे अगर जफरा आर्चर खेलता है तो मे बी इसको आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर सोचिए मतलब जफरा आर्चर लाइनअप में आता है, मे बी आ सकता है जफरा आर्चर, तो आप इसको रिस्क ले सकते हैं। बहुत लोग लेके जा रहे हैं तो एक उतना भी कॉन्सिस्टेंस प्लेयर नहीं है। ठीक है, ये भी मतलब हिट और मिस टाइप प्लेयर, बट आराम से 20-30 पॉइंट आपको देके जा सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता इस मैच में दे पाएगा। अगर 8-4 खेलता है तो आप इसको आप जरूर ग्रैंड लीग में ड्रॉप करिएगा, अगर आप ज़्यादा रिस्क टेकर हैं तो स्मॉल लीग में भी आप इसके ऊपर रिस्क ले सकते हैं आज के मैच में। ठीक है, बाकी रिंकी सुख मुझे बहुत ही पसंद है ये प्लेयर, क्योंकि ये कॉन्सिस्टेंस पॉइंट देता है, कैच भी पकड़ता है, तो आपको ओवरऑल वैल्यू पीक है आपका फैंटेसी में ये प्लेयर। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट दे के जाएगा। मैं पहले जब से IPL स्टार्ट हुआ है इस साल का, तब से जब भी कलकत्ता का मैच होता है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि रिंकी सिंह को आपको छोड़ना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा।
सिर्फ एक मैच में बैड लक आउट हुआ, उसके बाद एवरी मैच में आपको मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट देगा, कम से कम 50 के ऊपर पॉइंट देके जा रहा है एवरेज, ठीक है। तो आप ऐसे प्लेयर को बैक करिएगा जो आपको डेली कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा। तिलक वर्मा भी बहुत अच्छा फॉर्म में चल रहा है, जो इनफॉर्म बैट्समैन है उसको थोड़ा सा बैक करिएगा और आपको अच्छा खासा पॉइंट देके जाएगा। तिलक वर्मा को आपको बैक करना होगा, ठीक है, आपको कुछ कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा। स्मॉल लीग में आपके टीम में मस्ट पिक होगा, बाकी ग्रैंड लीग में आप अगर ज़्यादा छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं, बट मुझे लगता है आपको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आपके टीम में मस्ट पिक होगा। रिंकू सिंह दोनों में आपके टीम में दोनों में आपका मस्ट पिक होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव को आप ग्रैंड लीग में छोड़ दीजिएगा, स्मॉल लीग में भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फॉर्म उतना कुछ खास नहीं है, अगर आप ग्रैंड लीग में एक दो टीम में कैप्टन मार के छोड़ देना, अगर आप 10 टीम मार रहे हो तो उनमें 10 टीम बना रहे हो तो फिर एक टीम में कैप्टन करके छोड़ देना। वेंकटेश अय्यर को ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, लेकिन अगर स्विंग करता है बॉल तो मे बी ये आउट हो सकता है, अगर 8-4 खेलता है तो फिर इसको मे बी आउट भी कर सकते हैं। इसीलिए सोचिए, फास्ट बैट करते हैं तो ये मेन लाइनअप में आ सकता है, और सेकेंड करते हैं तो सब्स्टिट्यूट में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ग्रैंड लीग में अगर 8-4 खेलता है ना तो मे बी ये कलकत्ता का टॉप ऑर्डर को उड़ा सकता है, ठीक है। और ऐसे ही कलकत्ता का जो टॉप ऑर्डर है वो हमेशा मतलब कम से कम 2-3 विकेट के पावर प्ले में गिर जाता है। तो इसीलिए जो भी IMI का टॉप मतलब स्टार्टिंग में बॉल करेगा, आप उसके ऊपर एक दो कैप्टन या वाइस कैप्टन का रिस्क भी ले सकते हैं, या एज ए प्लेयर 2 विकेट लेके जाएगा ऐसा, क्योंकि पीस जो है ना थोड़ा सा 190-180 के आसपास रन बनेगा, तो बैट्समैन या ऑलराउंडर में से ही कोई कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं, या मे बी जो डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा या पहले एक दो विकेट ले लिया उसके बाद डेथ ओवर में बॉलिंग करेगा, तो वो भी फास्ट बॉलर भी कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है, ठीक है। तो उसके ऊपर ध्यान रखते हुए जैसे आपने KKR का टॉप ऑर्डर को ड्रॉप कर दिया, तो आपने MI का कोई भी एक जो मेन बॉलर होगा जो स्विंग करता है, जैसे बेहेंडॉफ हो, आचार हो, अगर जो खेलेगा तो उसके हिसाब से आपको कैप्टन सेट करना होगा। बाकी टीम डेविड को आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करेगा, स्मॉल लीग में रिस्की होगा, और कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बैटिंग जेसन रॉय आज के मैच में अगर खेलने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस है, अगर खेलते हैं तो आप जरूर ग्रैंड लीग में ट्राई करेगा, इवन आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्म जो है ना फिर से वापस आया है, ठीक है। तो आप इसको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई कर सकते हैं, इवन ग्रैंड लीग में आप कैप्टन भी मारना, क्योंकि जो हेड टू हेड रिकॉर्ड और प्लस वेनू का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप रिस्क ले सकते हैं इसके ऊपर। बाकी सुनील नारायण को आप अगर देखिए इसको कब विकेट मिलता पता है आपको, जब अगर कोई बैट्समैन इसको हिट करने जाता है ना तभी इसको विकेट मिलता है। अगर कोई बैट्समैन इसको आराम से खेलेगा, जैसे पिछले मैच में मैंने बोला था ये फ्लॉप जाएगा, जो पिछले मैच कोलकाता का मैच था इसमें मैंने बोल दिया था फ्लॉप जाएगा, जिसने भी मेरा बात सुन के फ्लॉप किया होगा वो आराम से जीत चुका होगा, ठीक है। जैसे हमने खुद भी इसको फ्लॉप किया, हम लोगों का भी ज्ञान लीग में बहुत अच्छा खासा रैंक आया था, मिस हो गया हम लोगों का वाइस कैप्टन की वजह से। तो ऐसे ही आपको कुछ ना कुछ जो लॉजिक है उसके ऊपर आपको टीम बनाना होगा, तभी आप अच्छा खासा रैंक कर सकते हैं। आप इसको एज ए प्लेयर रखना, क्योंकि कुछ ना कुछ पॉइंट देके जा सकते हैं इस मैच में। रोहित शर्मा के साथ बहुत अच्छा मैचअप है, तो आपको आज के मैच में जो है ना एक दो विकेट लेके जा सकते हैं। डेढ़ का मैच है तो बॉल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी अंडर रसल को मुझे थोड़ा सा डाउट है खेलने का इसका, अगर खेलता है तो फिर आप एज ए प्लेयर रख सकते हो। बॉलिंग करने का मुझे नहीं लगता है कोई चांस है, पिछले मैच में करा था बट इस मैच में मुझे नहीं लगता कोई बॉल करने का कोई चांस है। आप इसको ग्रैंड लीग में तो छोड़िएगा, बट स्मॉल लीग में सेफ रखने के लिए आप ऐसे स्मॉल लीग में रख सकते हो, बट ग्रैंड लीग में इसको आराम से छोड़ दीजिएगा, ठीक है, उतना इफेक्ट नहीं रहेगा। कैमरन ग्रीन को आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करेगा बस, बट एज ए प्लेयर ट्राई करेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन का मटेरियल मुझे नहीं लग रहा है कि ये होगा, ठीक है। बट अगर ज़्यादा रिस्क लेना है तो आप ग्रैंड लीग में एक दो टीम में जरूर कैप्टन मार के छोड़ देना, क्योंकि ऑलराउंडर है, कम से कम 3 मुझे नहीं लगता अभी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, बट कम से कम 3 डाउन या 4 डाउन में बैटिंग करेगा, तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपको देके जा सकते हैं। इसलिए आप ग्रैंड लीग में रिस्क लीजिए, क्योंकि 2-3 नंबर बॉलिंग भी करेगा प्लस बैट करेगा, तो आपको कैप्टन का भी पॉइंट दे सकता है, ठीक है। बाकी ठाकुर आज के मैच में बॉलिंग करेगा, आप इसको जरूर लीजिएगा, प्लस आप बैकअप करिए ठाकुर को। अगर फास्ट बॉल करते तो आप इसको कैप्टन भी मार सकते हैं, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ पॉइंट देके जाएगा। बाकी ऋतिक शौकीन मुझे नहीं लगता इसके मैच में खेलेगा, अगर खेलता है तो जरूर ट्राई करेगा। मुझे लगता है दूसरा जो बॉलर है वो कार्तिक, मैं उसको जब जाऊंगा बॉलिंग से मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो उसको आप वो इस मैच में खेल सकते हैं, तो उसको ट्राई करना होगा आपको। अगर लाइनअप में आते तो आप जरूर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वरुण चक्रवर्ती को आप सेकेंड बॉल पर ट्राई कर सकते हैं, जैसे कलकत्ता ने कम से कम 200 के आसपास रन कर दिया, तो वरुण चक्रवर्ती को आपने ट्राई उसी टीम में आपको ट्राई करना है जिसमें कलकत्ता को आप फेवर कर रहे हो, और कम से कम कलकत्ता ने 200 के आसपास रन कर दिया, 190 के आसपास रन किया, उसी टीम में आप चक्रवर्ती को ट्राई करना। अगर आपने 160 के आसपास रन में जो टीम बनाया उसके हिसाब से अगर आप इसको लेके जाएंगे तो मे बी इसको जस्ट एक ही विकेट मिले, ताकि तब डीम टीम में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखते हुए आप टीम बनाइएगा। बाकी फास्ट बॉल पे आप आराम से छोड़ भी सकते हैं। जेसन बेहेंडॉफ जैसे मैंने बोला, कोलकाता का जो टॉप ऑर्डर है ना वो मतलब कभी भी
दो तीन विकेट जा सकते हैं। तो इसीलिए बैंड ऑफ अगर आठ चार खेलता है बैंड ऑफ तो दोनों खेलने का चांस है, ठीक है। तो आप जरूर बैंड ऑफ आठ चार दोनों में से जो भी मतलब दोनों में से एक को जरूर कैप्टन बनाए, या दोनों को भी आप रिस्क ले सकते हो क्योंकि कोई भी तीन विकेट लेके जा सकता है। तो आप जरूर कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना। पीयूष चावला को मे भी उतना इफेक्टिव नहीं रहे, ठीक है, कम से कम एक विकेट लेके जा सकते हो। तो आप गैन लीग में जरूर मतलब स्मॉल लीग में आपके लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता उतना खास ऑप्शन रहेगा। बट एक प्रॉब्लम क्या है ना, डे का मैच है, इसीलिए मे भी एक दो विकेट लेके जा सकते हो। तो इसीलिए स्मॉल लीग में आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेगा, बाकी गैन लीग में आराम से छोड़ सकते हैं क्योंकि पीस जो है ना मुझे लगता है बैटिंग फ्रेंडली, प्लस पेसर को थोड़ा सा मूवमेंट होगा, प्लस पूरा का पूरा बैटिंग फ्रेंडली होना चाहिए। बाकी लास्ट मोमेंट टॉस के टाइम पे हम बता देंगे पिच कैसा होगा, क्या बिहेव हो सकता है, पिच को देख के हम बता सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी मेरे देश मुझे लगता है नहीं खेलेगा, अगर खेलता है तो आप जरूर गैन लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई करना होगा, आपको मास्ट पिक रहेगा, ठीक है। बाकी फर्गुसन का फंडा वही है जैसे मैंने बोला आप लोगों को, अगर फास्ट बॉल करता है तो इसको आराम से छोड़ सकते हैं, सेकंड बॉल करता है तो आपको मस्ट पिक करना है। प्लस आप इवन गैन लीग में कैप्टन भी मार सकते हैं इसको, ठीक है, गैन लीग में कैप्टन भी मारना एक दो टीम में अगर सेकंड बॉल करता है फर्गुसन। उमेश यादव उतना वैल्यूबल पिक नहीं है, आप इसको आराम से छोड़ सकते हैं। सुयेश शर्मा को आप जरूर ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर, इसको पूरा का पूरा फेवर कर रहा है KKR, आप इसको गैन लीग स्मॉल लीग दोनों में ट्राई, स्मॉल लीग में भी रिस्की होगा बट गैन लीग में इसको जरूर ट्राई करिएगा, एक दो विकेट लेके जा सकते हैं और आपके लिए पंथ पिक हो सकते हैं, बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं। एक खान उतना खास पिक नहीं होगा, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट वैल्यू पिक नहीं रहेगा। तो आप अगर ट्राई करना है तो गैन लीग में जरूर ट्राई कर सकते हैं। बाकी कार्तिकरण में कुमार कार्तिकिया, आप इसको गैन लीग में जरूर ट्राई करिएगा क्योंकि मुझे लगता है इस मैच में वो खेल सकता है शौकीन की जगह पे। तो अगर खेलता है तो भी जरूर, क्योंकि इसका हेड टू हेड रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, एक मैच ही खेला था, इसमें दो विकेट लिया था KKR के अगेंस्ट, तो इसीलिए आप ये खेलने का इसका चांस है। तो आप इसको जरूर गैन लीग में ट्राई करिएगा, ठीक है। बाकी देखिए आज के मैच में जो पंत प्लेयर आज के मैच में जैसे मैंने बोला आप लोगों को, फर्गुसन है अगर सेकेंड बॉल करता है कलकत्ता, तो फर्गुसन है आज के मैच में आपके लिए पंत पिक। सुयेश शर्मा है, ठीक है, और उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में ठाकुर है, बहुत कम लोग लेके जाएगा क्योंकि कल इससे जो पिछला मैच है उसमें बॉलिंग नहीं किया, तो लोग उसी को सोच लेके टीम बनाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ठाकुर को बैक करना है, और फास्ट बॉल करता है तो आप इवन गैन लीग में कैप्टन भी मार देना, ठीक है। और बैटिंग सेक्शन में आप किसको बैक करना है, आपको सूर्या कुमार को आप बैक कर सकते हो क्योंकि इसका जो टाइम है ना बहुत ही ख़राब चल रहा है। अब गैन लीग में जरूर कैप्टन मारना, बट स्मॉल लीग में मुझे लगता है कि इसका जो मतलब इतना नेगेटिविटी अभी इसके अंदर चला गया ना, ये अभी कुछ महीना ऐसे ही चला जाए, ऐसे ही होगा, ठीक है। अगर रन करेगा तो एक मैच में बहुत एकदम स्लो खेलते हुए रन करेगा, ठीक है, लेकिन पिछले बार जो इससे पहले जो इसका कॉन्फिडेंट था वो कॉन्फिडेंट अभी इसका नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको जरूर स्मॉल लीग में छोड़ सकते हैं, बहुत लोग होगा जो इसको बैक करेगा बट मुझे नहीं लगता उतना इम्पैक्टफुल पारी खेल सकता है और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उतना खास नहीं है। आप जरूर इसको छोड़िएगा बट स्मॉल गैन लीग में कैप्टन मार के देना क्योंकि आपको पता है सूर्य कुमार प्लेयर कैसा है, तो गैन लीग में इसीलिए कैप्टन भी मार देना एक टू में ताकि आपको नुकसान ना हो, ठीक है, अगर चल जाए तो फिर आपको नुकसान ना हो। टीम डेविड को आपके लिए पंथ पिक हो सकता है, आप जरूर गैन लीग में ट्राई करिएगा। अगर फास्ट बैट करते हैं तो शायद मे भी इसको ए लाइनअप में आ सकता है, तो इसीलिए आप कम से कम टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा को ड्रॉप कर रहे हो या ईशान किशन को ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है, या सूर्य कुमार को ड्रॉप कर रहे हो। जैसे रोहित शर्मा सूर्य कुमार आपने ड्रॉप कर दिया, आपके टीम में मस्ट उस टीम में टीम डेविड होना चाहिए, ठीक है, इसके हिसाब ऐसे आपको टीम बनाना है। बाकी विकेट कीपर सेक्शन में पंत पिक जो है वो जगह दिशान है, ठीक है। तो गाइज अभी हम लोगों का डिस्कस ख़त्म होता है, अभी हम लोग मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं अभी नेक्स्ट मैच का। आज का जो दो मैच है उनमें से फर्स्ट मैच का हमने वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया, अभी नेक्स्ट जो सेकंड मैच होगा उसके में भी अगर मौका मिला तो जरूर बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। अदरवाइज अगर नहीं बना पाया तो फिर चैनल पर अपडेट दूंगा, जैसे आज का मैच में मैंने कल का मैच में जैसे अपडेट दिया था ऐसे ही अपडेट देने की मैं कोशिश करूँगा। और गाइज आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम लोग कंटिन्यू करेंगे वीडियो, और आप लोग अगर प्यार करेंगे हमें तभी हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर ज्वाइन हो जाइए ताकि आप लोगों को हमारा एक्सपीरियंस है जो फैंटेसी का 7 ईयर का, मैं आप लोगों को मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है 7 ईयर का मैं सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए तभी हम लोग कर पाएंगे, है ना। थैंक यू गाइस, अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।